Here is the question. Ratio of delta TB upon KB of 10 gram AB2 and 14 gram A2B per 100 gram of solvent in their respective solution is 1 mole per kilogram. In both case, hence atomic weight of A and B are respectively आपको calculate करना है. देखो बेटा आपको सिर्फ atomic weight calculate करके बताना है. ध्यान से समझो. अगर इनका atomic weight calculate करना है, तो आपको दोनों के लिए अलग-अलग इनका molecular mass पता होना चाहिए. क्यों पता होना चाहिए? वो भी मैं समझाता हूँ आपको. देखिए, हमारे पास एक ratio दिया है delta TB upon KB का. तो delta TB का एक formula आता है delta TB is equal to I into KB into molality. देखो, delta TB अपॉन KB is equal to क्या हो जाएगा यहां से I into molality हो जाएगा. ये मैं ले रहा हूं केस नंबर 1. केस नंबर 1 मतलब कि AB2 टाइप वाला का जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, AB2 टाइप वाला उसके लिए ले रहा हूं मैं. अब समझ में क्या कर रहा हूं, I की वैल्यू. अच्छा पहले मैं इसकी बात करता हूं, डेल्टा TB अपॉन KB, डेल्टा TB अपॉन KB दोनों के लिए सेम है 1 मोल पर किलोग्राम. कितना है 1 मोल पर किलोग्राम इज इक्वल टू I. I क्या हो जाएगा, यहां पर AB2 एंड A2B बोथ आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. नॉन इलेक्ट्रोलाइट है मतलब कि डिसोसिएट नहीं होने वाले हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई. इनटू अब क्या आ गया, मोलैरिटी आ गई. अब मोलैरिटी को समझो, मैं कहां बताऊंगा आपको. मोलैरिटी का मतलब क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. क्या हमारे पास जो भी हमारे पास AB2 टाइप है उसका क्या गिवन है, हमारे पास वेट गिवन है. अगर हमारे पास वेट है तो हम मोल्स कैसे निकालेंगे. देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास. मोलर मास किसका आएगा, यहां पर AB2 टाइप वाले का क्या आएगा, यहां पर मोलर मास आएगा. आएगा कि नहीं आएगा बताओ. सही है, इसका मोलर मास आएगा. AB2 टाइप वाला जो भी आपका सॉल्यूट है उसका क्या आएगा, आपके पास मोलर मास आएगा. अब समझो वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना है, बोला है कि दोनों ही किसमें 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर है, तो किलोग्राम में लिखना है तो 0.1 किलोग्राम कर दो, इसे हो जाएगा किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट. मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 कितना आएगा, सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 100. कितना आया, 100. इसका मतलब क्या हुआ कि AB2 दोनों का मिलाकर मॉलिक्यूलर मास कितना है, 100 ग्राम पर मोल है. तो मैं ये लिख सकता हूं कि A plus 2B is equal to कितना हो जाएगा, 100 होगा कि नहीं होगा. इसे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1. इसको समझो, इसका मैंने ऐसा क्यों लिखा भाई, टोटल मॉलिक्यूलर मास AB2 का मिलाकर कितना है, 100 है. मतलब कि यही तो हुआ, A plus 2B is equal to 100. मास ऑफ A, मास ऑफ B is equal to कितना गया, 100. B का आगे 2 क्यों लिखा, क्योंकि AB2 टाइप का ना, तो दोनों का मास काउंट होगा. अब जैसे हम लिखता हूं, मैं लिखता हूं CO2 आज, ठीक है. अगर CO2 को लिखूंगा तो मैं क्या कहूंगा, मास ऑफ कार्बन कितना हो गया, 12 into कितना कार्बन, 1 है, तो टोटल मास हो गया कार्बन का 12. मास ऑफ ऑक्सीजन बोलता हूं तो 16 into कितना लिखूंगा, 32, मतलब 2 करूंगा क्योंकि दो ऑक्सीजन है, तो दोनों का मास जोड़ूंगा, तो टोटल मास कितना लिखेंगे हम, 44 लिखेंगे. लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन प्लस दो ऑक्सीजन का मास मिलाकर कितना आया, 44 आया. तो वही तो कर रहा हूं मैं यहां पर कि A plus 2B मिलाकर कितना आया, टोटल 100 आया. ठीक है, समझ में आती है ये बात, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. अच्छा ये तो आ गया AB2 टाइप के लिए. अब A2B टाइप का भी हमारे पास सॉल्यूट है, उसके लिए भी कर लेते हैं. देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा TB अपॉन KB का रेशियो हो जाएगा 1 मोल पर किलोग्राम is equal to I की वैल्यू तो हो गई 1. मोलैरिटी उसके लिए देखते हैं, तो देखो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, उसका गिवन मास अपॉन मोलर मास निकाल रहा हूं इसका, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गया, 0.1 किलोग्राम. ठीक है, तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मोलर मास ऑफ A2B टाइप के लिए कितना गया, 140 ग्राम पर मोल आ गया. ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हो गया कि 2A plus B मिला के कितना गया, 140. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपको सिर्फ सिंपलीफाई करना है. कैसे करोगे, इसे उठाओ यहां लिख दो, 2A plus B is equal to कितना हो गया, 140. ये होगी इक्वेशन नंबर आपकी 2. मैं क्या करूं, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2A इधर कितना हो गया, 4B इधर कितना आ गया, 200. अब इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को लेस कर दो, माइनस 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 कितना आ गया, ये तो गया, ये कितना आ गया, 3b is equal to कितना आ गया, 60. यहां से निकालो b की वैल्यू कितना आ गया, 20. मतलब कि b का एटॉमिक वेट कितना है, 20 ग्राम है, सो 20 ग्राम पर मोल है. ठीक है, b का आ गया, a का निकालना है, इसको उठाओ यहां रख दो, 2a plus 20 is equal to 140, 2a is equal to 120, तो a is equal to 60. तो here is the your answer and check कर लीजिए, ऑप्शन नंबर b is the correct option.